विधायक मीना सिंह ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में 75 सिलेंडर विधायक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री व मानपुर क्षेत्र की विधायक मीना सिंह ने आज पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली को 75 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर प्रदान किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने पूजन करते हुए सबका आभार व्यक्त किया और कहा कि कोरोना बीमारी हमारे बीच कभी ना आए। और मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह मोदी सरकार ने मदद की है वह पूरी जनता ने देखा है। सबको पूरी मदद देने के लिए बीजेपी सरकार ने कोई कमी नहीं की है। मंत्री मीना सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग शत प्रतिशत वैक्सीनेशन कराएं और सभी व्यापक प्रचार प्रसार करें। इस अवसर पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश पालीवाल, सूरज अग्रवाल, साथ ही में बहादुर सिंह, जितेंद्र जगवानी, राजकुमार अग्रवाल, रामधनी प्रधान और प्रदीप सोनकर और सुरेश विश्वकर्मा, प्रमोद साहू आदि शामिल रहे। विकास निधि से 15 लाख की राशि दी गयी थी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, तो उसमें से 15 लाख में 75 सिलेंडर पाली अस्पताल को खरीद करके दिया गया है और उसके बाद 75 सिलेंडर मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए। और आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसे अभी पिछले समय में कितना कोरोना फैल चुका था अपने देश से लेके अपने ज़िलों में भी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत लोग चले गए दुनिया से। तो हमको लगा कि देखिए एक व्यक्ति का प्रयास होता है कि और क्या क्या अपन कर सकते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी बच सके, तो एक ये छोटा सा प्रयास है अपने जो सरकार से जो सरकारी राशि मिलती है विधायक विकास निधि के रूप में। तो हमको लगा कि ऑक्सीजन के कमी के कारण बहुत सारे भाई बहन दुनिया से चले गए, तो अगर हम ये ऑक्सीजन सिलेंडर अगर ये विधायक विकास निधि से कुछ है सिलेंडर उपलब्ध करा देंगे तो जिनकी जो कमी होगी कभी के लिए भी अगर जिनको ज़रूरत होता है तो ऑक्सीजन से लगाने से उनकी ज़िंदगी बचाया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से लेकर के 75 सिलेंडर यहां पर दिए गए हैं और जिसको भी ज़रूरत होगा पर्याप्त ऑक्सीजन का उपलब्ध रहेगा अपने पास। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भगवान ना करे कि कोरोना फिर से वापस आए, कोरोना तो दूर ही रहे। और अगर कहीं फिर अब एक गर्मी तो और देखना पड़ेगा, अगर गर्मी में फिर वापस लौट के आया और फिर किसी को ज़रूरत पड़ा तो ये जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर हैं लोगों के काम आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। और ये लोगों के लिए हम लोग आज अस्पताल को सौंपने आए थे जी। तो आपने अभी सुना कि मैंने अपने उद्बोधन में सभी आम सभी आदरणीय नागरिकों से मैंने निवेदन किया हुआ है कि जो भी जो फर्स्ट डोज लगा चुके हैं तो सेकंड डोज भी उनके जीवन के लिए ज़रूरी है, और सबने सुना है और आप सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि सेकंड डोज भी लगना बहुत ज़रूरी है। सबका लग जाएगा तो लोग फिर कोरोना से अगर होता भी है तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो आज कुछ आग्रह की हूँ तो शायद काम बढ़ेगा। और हम मानते हैं कि जो 60% अभी बाकी है पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत गाँव और शहर मिला करके तो वो भी पूरा होगा। आपके प्रयास से आम आदमी के पीने के लिए पानी के लिए जो व्यवस्था की गई थी मुझे है और सरपंच ने उसको उखाड़ के अपने घर के अंदर करवा दिया पूरे, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास होंगे क्योंकि लोगों को वहाँ आपका जो नहीं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।